समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है घर का सामान। स्थान भोला राम उस्ताद मान एवं होटल पार्क सयाजी के सामने विजयनगर इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा है। बुधवार को ब्रिटेन में हुई UNSC की एक बैठक में पाकिस्तान ने फिर एक बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। ईरान ने गुरुवार को ओमान की खाड़ी में कमर्शियल जहाज पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की नेवी के प्रवक्ता के मुताबिक जहाज के तस्करी में शामिल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है, ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नई टनल के ऊपरी हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद श्रावण में आने वाले श्रद्धालुओं को नई व्यवस्था में प्रवेश कराने की तैयारी हो गई है। नई व्यवस्था में श्रद्धालु मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों में भी दर्शन कर सकेंगे। अगले 2-3 दिन पूरा प्रदेश तर बतर हो जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश के 60% से ज्यादा हिस्से में हैवी रेन का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 38 जिलों में तेज बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन जिलों में 2.5 से 4 इंच तक बारिश हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत को हराना काफी नहीं, 8 और टीमें हैं, इनको हराने के बाद ही पाकिस्तान फाइनल खेल सकेगी। टीम का मकसद चैंपियन बनना है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 42वां बर्थडे मना रहे हैं। धोनी आखिरी बार 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ IPL फाइनल में खेलते दिखे थे। आमिर खान की फिल्म लगान में एलिजाबेथ का किरदार निभाने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचल शेली 22 सालों बाद जल्द ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कोहरा में नजर आएंगी। सीरीज के डायरेक्टर रणदीप झा है। ये सीरीज 15 जुलाई को रिलीज होगी। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म लुटेरा को 10 साल हो गए हैं। इस खास मौके पर सोनाक्षी, रणबीर और फिल्म निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी ने अपने इंस्टा हैंडल पर फिल्म से जुड़ी पुरानी तस्वीरें शेयर की।